Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं SPIN News। स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर, जो कि अगले साल होने वाले हैं और उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम आपको बताते हैं कि रोज हम आपके लिए एक नई खबर लाते हैं, रोज हम आपके लिए एक नया अपडेट लाते हैं कि राजस्थान में चल क्या रहा है। तो वही हम बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुजरात और हिमाचल में बीजेपी सरकार बनाने के बाद जश्न में डूबी हुई थी, लेकिन कांग्रेस भी डूबी हुई थी। एक पार्टी खुशी में डूबी हुई थी तो एक पार्टी गम में डूबी हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल उलट हो गया है। मैं आपको बता दूं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हार के गम में डूबी कांग्रेस, अब राजस्थान उनके लिए एक खुशी की खबर लाया। आपको बता दूंगा कि जहां पे कांग्रेस गुजरात और हिमाचल चुनावों को लेकर गम में डूब गई थी, तो वहीं बीजेपी पार्टी राजस्थान के उपचुनावों को लेकर गम में डूब गई है। आपको बता दें कि यहां जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिकाओं में वार्ड सदस्यों के लिए हुए उपचुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली है, जो कि कांग्रेस की एक पहली उम्मीद बनकर उभरी है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी तमाम राज्यों में कांग्रेस को पछाड़कर अपनी सरकार बना रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में पहली उम्मीद मिली है, पहली चुनौती मिली है, कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जैसा कि गुजरात चुनाव में देखने को मिला। यहां के राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत से कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि बड़ी सफलता हासिल की है, जिसे देखकर लगता है कि लोग कांग्रेस की ओर है। लोग वहां पर बीजेपी सरकार, जो कि वसुंधरा राजे सरकार है, उसे इतना पसंद नहीं कर रहे और बदलाव की उम्मीद चाहते हैं, और कांग्रेस में वो बदलाव देख रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि उपचुनाव में जनता का फैसला ये साफ हो गया है कि कांग्रेस की जीत का मतलब वहां के लोग कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में नगर पालिका के 14 वार्ड पंचायत समिति सदस्य के 27 और जिला परिषद के 4 वार्डों के लिए उपचुनाव हुए, जिसमें वसुंधरा सरकार के लिए जिसके जो नतीजे आए वो वसुंधरा सरकार के लिए चेतावनी है, तो कांग्रेस के लिए एक राहत पहुंचाने वाली खबर। ये नतीजे कांग्रेस को तो राहत दी, कांग्रेस में तो खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन वसुंधरा राजे ने कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे इस खबर से या इन नतीजों से कहीं ना कहीं आहत हुई। रिजल्ट चौंकाने वाले और सरकार के लिए बड़ा झटका है। गौरतलब है कि राजस्थान में जल्द ही 2 संसदीय और 1 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव भी अगले साल हैं, जिनमें दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ उतर रही हैं। जिला परिषद बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर और करौली में 1-1 वार्ड के लिए उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। इन चारों ही सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा के प्रत्याशियों को भारी मतों के अंतर से हराया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने इन चुनावों में जीत हासिल कर ली है और कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार है। आपको बता दूं कि गुजरात विधानसभा चुनाव और में तो भाजपा और कांग्रेस की कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन राजस्थान ने जो हुए उपचुनाव उनमें भी कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने सभी 4 जिला परिषदों की सीटों, 27 में से 16 पंचायत समितियों और 6 नगर पालिकाओं की सीटों पर जीत हासिल की। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा जो है वो 10 पंचायत समिति और 7 नगर पालिका सीटों पर ही जीत दर्ज करा सकी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी ये मुकाबला हुआ है वो बेहद ही एकदम चौंकाने वाला है। आपको बताना चाहूंगा कि नगर निकाय की सीट जो कि वहां पे 14 थी, जिसमें से भाजपा ने 7 जीती और
कांग्रेस ने 6 और अन्य 1 जो कि उसके खाते में दिख रही हुई है, लेकिन पंचायत समिति में 27 सीटें थी, बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 16 जीती हैं, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। पंचायत समिति की सीटें 27 थी जिसमें बीजेपी के केवल 10 हफ्ते चली हैं और कांग्रेस ने 16 हासिल की हैं। तो वहीं जिला परिषद की 4 सीटें थी और चारों की चारों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, जो कि बहुत ही राहत देने वाली खबर है। मैं आपको एक बार फिर विस्तार से बता दूं कि कांग्रेस ने 16 सीटों को, जो कि नगर निकाय चुनाव की 16 सीटों को अपने नाम किया है, तो वहीं भाजपा के खाते में केवल 11 सीटें आ पाई। सबसे बड़ी जीत कांग्रेस को जिला परिषद चुनावों में मिली, जहां पर कांग्रेस ने चारों की चारों सीट पर जीत हासिल की। और इसी के साथ एक खास बात यह भी है कि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले अजमेर और अलवर में लोकसभा की सीटों के लिए भी उपचुनाव होने हैं। इन नतीजों से ऐसा साफ लग रहा है कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ रही हैं, साथ ही कांग्रेस अपनी तैयारी करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। यानी कि देखा जाए कि परिणाम कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित हुए हैं। कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी है कि जिस तरह से उसे इन चुनावों में नतीजा, इन चुनावों में सफलता हासिल हुई है, जिससे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की हिम्मत जो है, कांग्रेस का हौसला दुगना हो गया है इनसे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 4 जिला परिषदों में से सत्ताधारी भाजपा के पास पिछले चुनाव में 1 सीट थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिला परिषद चुनाव में पिछले चुनावों में बीजेपी पर 1 सीट थी और कांग्रेस पर 3, तो कांग्रेस ने इस बार वो जो बीजेपी पर 1 सीट थी वो भी छीन ली है, जो इस बार कांग्रेस की झोली में चली गई है। कांग्रेस पर चारों की चारों सीटें हैं जिला परिषद की। स्थानीय निकाय चुनाव, उपचुनाव 19 जिलों के 27 पंचायत समितियों में से 12 जिलों की 14 नगर पालिकाओं और 4 जिला परिषदों में से इनमें मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ ही एक खास पॉइंट और है, इन स्थानीय निकाय चुनाव के नगर पालिकाओं में परिणाम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बेहद ही एक, या कहें कि एक दिल पर चोट पहुंची। आपको बताना चाहूंगा कि वसुंधरा के सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह के गढ़ माने जाने वाले 12 जिले के 2 वार्ड पर सत्ताधारी भाजपा को करारा झटका लगा है, यानी कि भाजपा पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। वसुंधरा राजे के पुत्र हैं दुष्यंत और उनका गढ़ है 12 जिला, जहां पे 2 वार्ड सत्ताधारी भाजपा को, 2 वार्डों पर सत्ताधारी भाजपा को हार मिली है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा है कि स्थानीय निकाय परिणाम पार्टी के लिए अच्छे रहे और कई ऐसी सीटें हैं जो विपक्ष कांग्रेस के पास थी और भाजपा ने छीन ली, लेकिन महत्वपूर्ण सीट जो कि जिला परिषद की है, चारों की चारों उनके खाते में आई और जो कि पंचायत समिति में उन्होंने भारी दर्ज कराई। इन चुनावों को देखते हुए जो कि उपचुनाव हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनते हैं ये नतीजे, और कांग्रेस को एक उम्मीद देते हैं। देखा जा रहा था कि कांग्रेस हिमाचल और गुजरात में सरकार बनाने से चूक गई, या यूं कहें कि हिमाचल का तो चुनाव, चलो मतदान जो कि चुनाव भारी सीटों में बहुत ही अंतर रहा, लेकिन गुजरात जो कि एक अहम चुनाव माना जा रहा था और जिसमें कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई, उसका कांग्रेस को बेहद अफसोस था, लेकिन वो राजस्थान में यह कसर निकाल लेगी, क्योंकि उपचुनाव ने यह साबित कर दिया है कि वहां की राजस्थान की जनता, उपचुनावों के जो नतीजे हैं वो उनसे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस को लाना चाहती है, यानी कि बीजेपी सरकार को पसंद नहीं करती, क्योंकि देखा जाए कि उपचुनावों में कांग्रेस ने बड़ी सफलता हासिल की है और कहीं ना कहीं जो कि राहुल गांधी और राजस्थान में जो कि सचिन पायलट एक मुख्य चेहरा है, कांग्रेस राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, कहीं ना कहीं इन दोनों का प्रभाव वहां पर पड़ रहा है। सचिन पायलट बेहद ही सक्रिय रहते हैं अपनी राजनीति को लेकर और अपनी भाषा को लेकर, वो बेहद ही लोगों के दिल में और युवाओं पर खासा राज करते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इन चुनावों का नतीजा
जो कि इन चुनावों का असर वहां आने वाले अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। क्या जिस तरह से भाजपा इस चुनाव में मुंह की खाई है, क्या विधानसभा में भी भाजपा मुंह की खाएगी, या फिर कांग्रेस ने जिस तरह से इन चुनावों में जीत का परचम ले रहा है, क्या विधानसभा चुनाव में भी 2018 में होने वाले चुनावों में भी क्या कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPNI न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और करिए हमारे अगले प्रोग्राम का इंतजार। नमस्कार।